हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। और टुडेज टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 7, क्लास प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। उसके बाद आप लोगों के पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की के डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गुडविल, रिटर्न ऑफ, इनकम टैक्स पेड, नेट प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में सेल, इंटरेस्ट रिसीव। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हैं डेटर्स एट द बिगिनिंग, क्रेडिटर एट द बिगिनिंग और एंड स्टॉक एट द बिगिनिंग और एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हम किस प्रकार से इसको करेंगे आपको समझाते हैं, जिसको आपको अधिक क्लियर होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के दो विधियां हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड है। तो किस प्रकार से डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप लोगों को बताया कि एज पर द कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें, आंसर जो सेम आता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें। तो क्वेश्चन नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले जब भी आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करते हैं तो हमें इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। डायरेक्ट मेथड से जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो है वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। हम सबसे पहले जो है वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं इसमें से हम घटाते जो है वो घटाते हैं कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय। इसमें से जो हम लेस करते हैं वो करते हैं कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। उसके बाद जो आपके पास आता है ऐसा यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में से कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय घटाने के बाद जो अमाउंट आपके पास आता है उसको आप बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो आपके पास आता है उसको आप बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और उसके बाद इसको घटाने के बाद यानी कि इसके बाद इसमें से जो है लेस किया जाता है इनकम टैक्स, लेस जो किया जाता है और टैक्स पेड किया जाता है इस क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार। और जो आपके पास आएगा वो आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो आपके पास आएगा वो आएगा जी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपके पास जो है वो कैश आएगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले इसमें निकालना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर जो आप निकालेंगे, हमारे पास इसमें सेल दी हुई है। क्या दी है जी? सेल दी है। तो हम जो है कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास सेल दी है। सेल जो हमारे पास दी है वो दी है 20 लाख। सेल हमारे पास दी है 20 लाख। इसमें हम ऐड करेंगे डेटर एट द बिगिनिंग। क्वेश्चन के अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे डेटर्स एट द बिगिनिंग। तो डेटर्स एट द बिगिनिंग है उनको आप ऐड कर देंगे एट द बिगिनिंग। तो डेटर आप एट द बिगिनिंग जो हमारे पास दिए उनको आप ऐड करेंगे और डेटर एट द बिगिनिंग आपके पास दिए 2,50,000। जब आप इसमें 2,50,000 करेंगे जमा करेंगे तो आपके पास आया 20,50,000। ये हमारे पास जो अमाउंट आया वो 20,50,000 आया। इसमें से आप लेस करेंगे आप इसमें से डेटर्स एट द एंड, डेटर एट द एंडिंग जो आपके पास डेटर हैं उनको आप लेस करेंगे और वो आपके पास है 3 लाख। और जो ये अमाउंट आपके पास आया उसको आप बोलेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ये जो आपके पास अमाउंट आया जिसको आप बोलते हैं 19,50,000, जो वर्किंग अकाउंट नोट नंबर 1 में आपने बनाया, तो आप यहां पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में जो आपके पास आया वो आपके पास आया कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 90,50,000। ये आपके पास आ गया जी 90,50,000। वो आपने कैलकुलेट कर दिया 90,50,000। उसके बाद अब आप निकालेंगे कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय को निकालने के लिए
हम सबसे पहले ध्यान रखें इस बात का कि कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो आइटम दिए वो देखेंगे। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले दिए हुए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारे पास दिए जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास दिए इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार 12,50,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है। हम जो है एड करेंगे इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, इसमें हम एड करेंगे जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस उनको एड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हम ऐड करेंगे इसमें। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ऐड करेंगे हम इसमें 1,15,000, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस आपके पास 1,80,000 आप इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ऐड करेंगे। जब आप इसमें 1,80,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14,30,000, जो हमारे पास वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 40,30,000। तो 40,30,000 जो है ऐड कर दिया आपने इसमें से, इसमें फिर आपने ऐड किए जो आपकी अन्य आइटम में ऐड करने की, ऐड करेंगे आप जिसमें हम ऐड करेंगे क्रेडिटर एट द बिगनिंग। तो हम सबसे पहले करेंगे क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस एट द बिगनिंग, जो आपके पास दिए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस या आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है आपके पास दी हुई है तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी ही लिखेंगे, आउट सैलरी एट द बिगनिंग। ऐड करेंगे हम इसमें स्टॉक एट द एंड, ऐड करेंगे हम इसमें स्टॉक एट द एंड, जो स्टॉक एट द एंड है तो आपके पास कितना कितना अमाउंट हो और लिख देंगे आप। तो सबसे पहले क्रेडिटर एट द बिगनिंग आपके पास दिए 1,15,000 क्रेडिटर्स, उसके बाद 5,00,000 जो है 5,000 जो है आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है बिगनिंग की, और स्टॉक एट द एंड जो है वो आपके पास दिया 2,30,000। तो अगर आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आया 3,50,000 आपके पास आया है टोटल। इसको जमा करेंगे तो आपके पास आया 17,80,000, ये आपका आ गया जी 17,80,000। फिर हम इसमें से लेस करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे जी, हम लेस क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, हम इसमें से लेस करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, जो हमारे पास क्रेडिटर एट द एंड दिए हुए वो आपके पास दिए 1,00,000 क्रेडिटर्स एट द एंड दिए हुए। इसी प्रकार से हम लेस करेंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है एट द एंड उसको भी आप लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड आपके पास दी हुई है 8,000। उसके बाद आपके पास दिया है स्टॉक एट द बिगनिंग, तो स्टॉक एट द बिगनिंग जो है, स्टॉक एट द बिगनिंग जो है उसको भी जो है आप लेस करेंगे, और स्टॉक एट द बिगनिंग आपके पास दिया 1,60,000, तो 1,60,000 आपके पास ये दिया है। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया 2,68,000। तो जो 2,68,000 घटाने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई वो आई 15,12,000, ये आपके पास आया कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय 15,12,000 जो आपके पास आया 15,12,000 वो आया कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। इस कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय को आप जो है यहां से घटाएंगे, लेस कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, दैट मींस की 15,12,000 घटाने के बाद जो वैल्यू आपके पास आई उस वैल्यू को वो आपके पास आया 4,38,000 जो आपके पास आया ये आपके पास आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से आप लेस करेंगे टैक्स पेड, जो आपने टैक्स पेड किया और वो आपका टैक्स पेड है एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 55,000। तो 50,000 आप इसमें से माइनस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आया वो आया जी 3,83,000। तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड जो है हमने जो है किस प्रकार से जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला, ये आपका आंसर आया। तो आपने सेकंड में जिसको आप बोल सकते हैं सेकंड नोट में आपने कैश पेड टू सप्लायर एम्प्लॉय निकाला, तो आपके पास जो आंसर आया हुआ है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, किस प्रकार से जो है वो डायरेक्ट मेथड से जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ जो है वो डायरेक्ट मेथड आपने कैलकुलेट किया। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें आंसर जो है वो सेम आएगा। अब हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी आपने विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड किया, अब हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड जो है वो किस प्रकार से आप निकालते हैं, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम आएगा। ध्यान रखें इस बात का,
यू विल अडॉप्ट एनी मेथड, चाहे आप डायरेक्ट मेथड अपनाए चाहे इनडायरेक्ट मेथड अपनाए, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर जो है वो सेम आया। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट, हम यहां लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो हमारा एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास जो दिया है वो दिया है जी 350,000, 350,000 जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया है। हम जो है इसमें ऐड करेंगे टैक्स, ऐड करेंगे हम इसमें इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स आपने पेड किया उसको आप ऐड करेंगे इसमें। और जब आप इनकम टैक्स पेड ऐड करेंगे जो आपका जो है 55,000 है, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आया वो आया जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो हमारे पास यह आइटम आई ये आया जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये हमारे पास आया जी 4,05,000। तो 4,05,000 हमारे पास आ गया। ऐड करेंगे आप इसमें एडजस्टमेंट फोर, इसमें एडजस्टमेंट फोर ऐड की जाएगी, इसको आप एडजस्टमेंट फोर बोल सकते हैं, यहां पर लिखते हैं एडजस्टमेंट फोर। तो ऐड किया जाएगा इसमें, जो ऐड किया जाएगा सबसे पहले वो ऐड किया जाएगा जी डेप्रिसिएशन, ऐड किया जाएगा इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का जितना अमाउंट दिया है वो लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन दिया है वो दिया जी 1,30,000। तो 1,30,000 डेप्रिसिएशन, सबसे पहले 1,30,000 डेप्रिसिएशन। उसके बाद ऐड करेंगे गुडविल रिटन ऑफ, ऐड करेंगे जी हम इसमें गुडविल रिटन ऑफ, जो गुडविल आपकी रिटन ऑफ हुई उसको ऐड करेंगे, और गुडविल रिटन ऑफ हमारे पास है 20,000। फिर आप इसमें ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐड करेंगे आप इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आपके पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो आपके पास है वो है जी आपकी, जो आपके पास दी हुई है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो दी है 30,000। इन सबको जमा करेंगे, यानी कि इन सबको जब आप जमा करेंगे तो आपके पास आया 1,80,000। तो 1,80,000 जब आपने इसमें जमा किया, ध्यान रखें 1,80,000 आप इसमें जमा करेंगे तो आपके पास आया ये 5,85,000। इसमें से लेस करेंगे आप, जो लेस किया जाएगा इसमें से वो किया जाएगा जी इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो नॉन फंडेबल इनकम है वो है जी आपकी 15,000 की, केवल मात्र एक ही आइटम है 15,000 की, उसको जब आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आया 5,70,000। ये जो 5,70,000 आया आपके पास, ये आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये आपके पास आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें आप ऐड करेंगे, ध्यान रखें आप इसमें ऐड करेंगे, जो ऐड किया जाएगा वो किया जाएगा डिक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वो ऐड कर दी जाएगी। और इसमें डिक्रीज इन करंट असेट तो हमारे पास कुछ नहीं दिए, परंतु आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है डिक्रीज हुई वो आप ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है इंक्रीज हुई, डिक्रीज हमारे पास करंट असेट कुछ नहीं हुए, परंतु इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई, उसको आप ऐड करेंगे 3,000। जब आप इसको 3,000 ऐड करेंगे तो आपको पास आया 5,73,000। फिर आप इसमें से लेस करेंगे, जो आप इसमें से लेस करेंगे वो करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट, ध्यान रखें इंक्रीज इन करंट असेट, एंड इसको आप पूरा लिखें इंक्रीज इन करंट असेट, ध्यान रखें इसको शॉर्टकट में ना लिखें, इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज। तो डिक्रीज इन करंट असेट में हमारे पास ये
इंक्रीज इन करंट असेट में हमारे पास डेटर्स हैं, सबसे पहले हमारे पास डेटर्स हैं, तो डेटर्स कितने जी हमारे पास, डेटर्स हैं जी हमारे पास 50,000 के डेटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक, तो स्टॉक हमारे पास है जी 70,000, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास है क्रेडिटर्स, और जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे पास है जी 15,000। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपके पास है 1,35,000। इसको आप माइनस करेंगे, जो माइनस की हम माइनस करते हैं उसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये आपके पास है 4,38,000। ये आया जी नेट कैश फ्रॉम मतलब नेट कैश कैश फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं कि ये आपके पास आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। हम इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स, लेस करेंगे हम इसमें से इनकम टैक्स जो आपने पेड किया, और इनकम टैक्स पेड जो आपने किया वो आपके पास आया जी 55,000। तो चाहे आपने डायरेक्ट मेथड से किया चाहे इनडायरेक्ट मेथड से किया, आंसर जो है वो सेम आया, आंसर जो आया वो आया 3,83,000। तो ये आपके पास आया जी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये जो आपके पास आया ये आया जी आपके पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो किस प्रकार से जो है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने कैलकुलेट किया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर, जिसको आप बोल सकते हैं क्लियर सी, कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर टू का विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो है, चाहे किसी भी मेथड का आप प्रयोग करें तो दोनों मेथड से जो है आंसर सेम आता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को करें तो दोनों मेथड से जो है आंसर जो है वो सेम आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।